told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a... ये हमारी आनमन ब्लॉग सीरीज का लास्ट पार्ट है और इस पार्ट के भी दो पार्ट्स हैं, एक है पोर्ट ब्लेयर और सेकेंड है अंडमान लुक बुक। तो अगर आप ये वीडियो अंडमान लुक बुक के लिए देख रहे हैं तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाके उसे देख सकते हैं। आफ्टर नील आइलैंड्स हम पहुंच चुके हैं पोर्ट ब्लेयर। नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर लगता है। आफ्टर रीचिंग पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि हमारे पास पोर्ट ब्लेयर के लिए एक दिन ही था, तो हमने होटल में चेक इन किया, वहाँ पर फ्रेशन अप हुए और उसके बाद सबसे पहले हमने विज़िट किया सेलुलर जेल को। सेलुलर जेल एक हिस्टोरिकल प्लेस है। वहाँ पे जब आप जाते हैं, वहाँ के म्यूज़ियम्स देखिए, वहाँ के शेल्स देखिए, तो आपको लिटरली फ़ील होता है कि हमारे देश के लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए कितना कुछ किया है, तो हमें उस आज़ादी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सेलुलर जेल में शाम से लाइट एंड साउंड शो शुरू हो जाता है, तो उसकी टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that. पोर्ट ब्लेयर में हमने स्टे किया हॉरिजन व्यू ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट में। उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उनका नीचे घर है और फैमिली बहुत ही अच्छी है, तो अगर आप पोर्ट ब्लेयर जा रहे हैं तो आई हाईली रिकमेंड दिस होटल टू यू। एकदम आपको अपने घर की फीलिंग आती है और वहाँ पे लोग बहुत ही अच्छे हैं। टाइम टू से बाय बाय टू अंडमान। और ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग था। ये पार्ट है अंडमान लुक बुक के लिए। सो आई एम नॉट द पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा लगेज लेके चलता है, तो मैं बहुत ही कम ड्रेसेस लेके ट्रैवल करना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो ट्रांसपोर्ट, हर जगह आपको वो लगेज लेके घूमना होता है, तो इट्स बेटर आप कम से कम लगेज में अच्छे से अच्छे लुक क्रिएट कर सको। सो ये है मेरा फर्स्ट लुक। इसमें मैंने एक ब्लैक एंड वाइट टी शर्ट कैरी की हुई है जो कि फुल स्लीव्स है, जो कि आपको टैनिंग से भी बचाएगी, और उसके साथ ही एक ब्लैक जैगिंग कैरी की हुई है। ये ब्लैक जैगिंग एंड ये ब्लैक एंड वाइट टी शर्ट दोनों ही मैंने मिंत्रा से परचेज़ की हैं। टी शर्ट का मैं आपको लिंक दे दूँगी, जैगिंग का मेरे को नहीं मिल रहा है अभी। ये जो सेकेंड लुक है, इसमें मैंने एक साड़ी कैरी की है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदी थी, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आप बीच साइड जा रहे हो या फिर आप रन ऑफ कच्छ जैसी जगह जा रहे हो जहाँ पे पूरा वाइट सैंड है, तो उस केस में आप ऐसी साड़ी प्रेफर कर सकते हैं जो कि फ़ोटोज़ में बहुत ही प्यारी आती है। So for the third look, I purchased this yellow dress again from Mintra। तो जो येलो कलर होता है उससे अलग ही एक ब्राइटनिंग आपको आपके फेस पे फील होगी, और येलो कलर में पिक्चर्स बहुत ही प्रिटी आते हैं। So for the next look, I purchased this beautiful blue color one piece from AGO। ब्लू कलर भी बहुत ही प्रिटी कलर है और उसमें भी पिक्चर्स बहुत प्यारी आती हैं। सो फॉर द नेक्स्ट लुक आई हैव दिस ब्यूटीफुल ऑफ शोल्डर ब्लू कलर टॉप जो कि मैंने परचेज़ किया था ब्रांड फैक्ट्री से, और उसके साथ मैंने पेयर किए हैं ये पिंक कलर के पैंट्स जो कि कुछ साल पहले मैं जकार्ता गई थी, वहाँ से मैंने ये परचेज़ किए थे, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्रिटी लगता है। ये है इस ट्रिप का लास्ट लुक जो कि बहुत ही प्रिटी लुक है। इसमें मैंने कैरी किया है एक जंप सूट जो कि कॉम्बिनेशन है ब्राउनिश एंड वाइट का, जो कि बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। ये मैंने ख़रीदा था बैंगलोर के कमर्शियल स्ट्रीट मार्केट से, एक लोकल शॉप से। इसके साथ ही हमारी ये व्लॉग सीरीज़ कंप्लीट होती है। होपफुली आपको हमारे इसके सारे पार्ट्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये हमारे सारे पार्ट्स अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो भी अंडमान जा रहे हैं उनके साथ ये शेयर ज़रूर करिएगा, उनको इससे बहुत हेल्प होगी। और अगर नहीं भी जा रहे हैं तो आप घर बैठे ही अंडमान घूम सकते हैं इस व्लॉग सीरीज़ के थ्रू। तो हमें बहुत सारा प्यार देते रहिए। इसी के साथ चलिए बाय बाय।